हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को। आलू मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, तभी इसकी टिक्की बना लेंगे हम। ये देखे जी, हमने टिक्की बना ली। इसी तरीके से सारे टिक्की बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई YouTube चैनल सबने मेलांस के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अलहमदिल्ला मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। दोपहर का टाइम हो रहा है, खाना हमारा हो गया है, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार के ठेले वाली स्पेशल चाट की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक कुकर लिए और ये हमारा पीला मटर है, जिसे हमने एक घंटे पहले पानी में भिगो के रखी थी, इसे कुकर में शामिल कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार, दो पिंच रेड फूड कलर, इसे भी शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हम पानी शामिल करेंगे। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। कुकर बंद करके 3 सीटी लगा लेंगे। हमारे आलू को हमने अच्छे से साफ कर लिए, तो इसे अब कुकर में शामिल कर देंगे। कुकर में पानी डालेंगे, उसमें नमक शामिल कर देंगे स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स करके डालेंगे। जब हमारे कुकर में 2 सीटी आ जाएगी तो गैस बंद कर देंगे। हमारे आलू है कुकर में उबाल कर हमने इसके छिलके निकाल लिए। यहाँ पे हम कुछ मसाले के पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। नमक कम लेंगे क्योंकि हमने उबालने के टाइम पे भी नमक का यूज किया है। सारे मसाले को शामिल कर देंगे इसमें और हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, तभी इसकी टिक्की बना लेंगे हम। ये देखिए जी, हमने टिक्की बना ली। इसी तरीके से सारे टिक्की बना लेंगे। आलू टिक्की हमने तैयार कर लिए, तभी इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने पैन ली, पैन में हमने तेल शामिल किया। तेल हमारा गर्म हो गया, तब इसमें हम टिक्की डालेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक तरफ टिक्की हमारी फ्राई हो गई, तो दूसरी तरफ फ्राई करेंगे। सारी टिक्की को इसी तरफ दूसरी तरफ करके फ्राई कर लेंगे। टिक्की को हमने अच्छे से फ्राई कर लिए, तो अब इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे टिक्की को फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं आप हमारी टिक्की कितने अच्छे से फ्राई हुई है। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, तभी इसमें हम तेल शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने एक छोटी साइज की प्याज ली है, इसे चॉप करके रखी है। 3 हरी मिर्च ली, इसे भी चॉप करके रखी है। हमारी गर्म हो गई तो प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्याज हमारा फ्राई हो गया है, तो अब यहाँ पे हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे। हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, तो अब यहाँ पे हम मटर शामिल कर देंगे जो हमने उबाल के रखी है। मटर हमने शामिल कर दिए, तो मिक्स कर ढककर हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे। मटर को हम बीच बीच में देख लेंगे चलाकर, वरना हमारी मटर चिपक जाएगी नीचे से। मटर हमारा अच्छे से पक गया है, देख सकते हैं आप। और मटर में कलर भी अच्छी आई है। हम यहाँ पे कुछ मसाले के पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सारे मसाले के पाउडर को शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक नहीं शामिल करेंगे हम, क्योंकि हमने नमक डाले थे छोले उबालने के टाइम पे। अब यहाँ पे हम टिक्की शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी है। कुछ इस तरीके से शामिल करेंगे टिक्की को, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर टिक्की हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब इसे ढककर लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए तो देख लेंगे थोड़ी देर। चाट हमारा रेडी है बिल्कुल खाने के लिए, तो गैस बंद कर देंगे। चाट हमारा रेडी है, तो अब हम प्लेट में सर्व करेंगे। चाट समोसे हमने बाहर से मंगाए हैं, तो समोसे कुछ छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे। अब इसमें हम चाट शामिल करेंगे। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे जो हमने चॉप करके रखी है। अब हरी मिर्च शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करेंगे जो हमने चॉप करके रखी है। अब यहाँ पे हम नमकीन शामिल करेंगे। सारे मसाले के मिक्स पाउडर शामिल करेंगे। अब इसमें हम धनिया के पत्ते शामिल करेंगे।
गाइस माशाल्लाह से हमारी चाट की लुक फाइनल कुछ ऐसी आई कि देख सकते हैं आप, हमारी चाट देखने में बहुत अच्छी लग रही है और लजीज खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप भी अपने घर पे एक बार ट्राई करें, आपकी भी फैमिली को बहुत अच्छी लगेगी ये चाट की रेसिपी। तो मैं चाट खाने जा रही हूँ, इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरी चाट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो मेरे चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करें। आज के लिए नए ब्लॉग के साथ अस्सलाम वालेकुम।